Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, you're most welcome in my YouTube channel. And video start करने से पहले उन सभी से request है, जो हमारे video को पहली बार देख रहे हैं, please हमारे YouTube channel को subscribe करें, like करें, share करें and press the bell icon for upcoming videos. गाइज, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर आपने अभी तक सिर्फ चाइना का पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया, तो मैं बता दूँ यहाँ पे सिर्फ एक डेमो के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया गया है। अगर आप सभी अदर जो नोट्स हैं वो सारे नोट्स आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर जाकर अपने आपको सेल्फ रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद ही आपको हम नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। डायरेक्ट यूट्यूब पर या हमारे डिस्क्रिप्शन में उससे रिलेटेड कोई लिंक नहीं आएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लिंक देने वाले तो लिंक नहीं आने वाला है, ठीक है। तो गाइज, अपने आप को रजिस्टर कीजिए ताकि आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकें, साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकें। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश के ऊपर, और इंग्लिश का टॉपिक है हमारे पास एंटोनियम और सिनोनिम्स। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि उसमें मेन जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो वह मैं बता दूँ आपको कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट है आपका, पैराग्राफ्स है, इडियम फ्रेजेस हैं, एंटोनियम सिनोनिम्स हैं, वर्ब्स का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो गाइज, एंटोनियम है अभी हमारे पास। एंटोनियम में आप जानते हैं, एंटोनियम को अगर हिंदी में हम कहें तो विलोम शब्द कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में एक और अपोजिट कहा जाता है, ठीक है। तो एंटोनियम में बिल्कुल हमको उसके अगेंस्ट लिखना होता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम क्या होता है, सिमिलियर होता है, मतलब कोई भी वर्ड है उसका वैसा ही मीन्स होगा। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो पर्यायवाची, आप सभी ने पढ़े जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे या हिंदी पढ़ा हो उसमें पढ़ा है पर्यायवाची, ठीक है। तो वही सेम चीज़ इंग्लिश में सिनोनिम्स में बदल जाती है। अब ये कोई कंपलसरी नहीं कि सिनोनिम का एक ही मीन्स होता है, कई बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ बोर्ड पे जो लिखे हैं वही कंपलसरी है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स के तो देखिए आप बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हाथी का गज हो सकता है, गज का हाथी हो सकता है, सेम थिंग है। तो अब हम बात करते हैं एंटोनियम्स पे। एंटोनियम पहली बात तो जेएनयू के अंदर दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंटोनियम सिनोनिम से रिलेटेड, आ सकते हैं दो या तीन क्वेश्चंस। और आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक एंटोनियम वर्ड दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि एंटोनियम लिखिए उसका, ठीक है। या फिर आपको सिनोनिम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका ये वर्ड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसका सिनोनिम्स बताइए, ठीक है। तो आपको उसमें से एक चूज करके लिखना होगा। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं एंटोनियम की। तो कुछ एंटोनियम मैंने यहाँ आपके लिए नोट कर रखे हैं, इनके ऊपर बात करते हैं इनका एंटोनियम वर्ड क्या है और एंटोनियम क्या है। तो अबव है, अबव का बिलो हो सकता है, ये कोई कंपलसरी नहीं कि अबव का बिलो है, आपसे हो सकता है कि वो पूछ ले बिलो का क्या होता है, तो सिंपल सा फंड है अबव होता है, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद एब्सेंट है उसका प्रेजेंट होता है, ठीक है। एबुडेंट होता है उसका स्केयर होता है, एक्सेप्ट होता है उसका डिक्लाइन या रिफ्यूज हो सकता है, एंड एक्सीडेंट है उसका इंटेंट है, एंड एकम्प्लिशमेंट है उसका फेलियर होता है, एक्यूरेट का इनएक्यूरेट होता है, अचीव का फेल होता है, एडोर का हेट होता है, एडवांस का क्या होता है गाइस, रिट्रीट होता है। उसके बाद एफर्ट का होता है कॉन्फिडेंट, और आफ्टर की बात करें तो आफ्टर का क्या होता है बिफोर। अब इनका उल्टा भी पूछा जा सकता है, इधर से इधर भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने इधर से इधर बताया आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ गाइस यहाँ पे सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स की बात करूँ तो मैंने बताया आपको सिमिलियर मीन्स होता है इनका, कोई डिफरेंट मीन नहीं होता है। जैसे एंटोनियम का अपोजिट होता है वैसे इसमें अपोजिट नहीं होता है। तो अब एश्योर की बात करूँ तो गारंटी है उसका। साथ ही एज अटायर की बात करूँ तो ड्रेस है, ये कंपलसरी नहीं कि यही होगा, और भी होते हैं इनके। अवे है उसका एब्सेंट होता है, बार्गेन का डील हो गया, और बिगनर की अगर बात करें तो नोवाइस या एमेच्योर होता है। बिलो की बात करते हैं तो अंडर हो गया आपका। चूज की बात करें सिलेक्ट है, एंड कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लिकेटेड, एंड डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का क्या फॉल्टी, फॉल्ट होता है, ठीक है। और डिलीशियस का यमी, आप बोलते हैं इट्स यमी, ठीक है। एंड एंड का क्या होता है फिनिश या कॉन्क्लूड होता है। एवेल्यूट का क्या होता है एसेसेस होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एंटोनियम और सिनोनिम से रिलेटेड। आप इनको और भी बुक्स आती हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं, आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं उनसे, इंटरनेट से आप बहुत सारे एंटोनियम्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि एंटोनियम्स की कोई लिमिट नहीं है कि 100, 200, 500 हैं, आप कितना भी पढ़ सकते हैं। बाकी एग्जाम में ज़्यादा हार्ड एंटोनियम या सिनोनिम्स नहीं पूछा जाता, एक बेसिक लेवल का एक जो बात करते हैं एंटोनियम या सिनोनिम्स होता है, ठीक है गाइस। उसके साथ इडियम्स का मैंने पहले बताया था, इडियम्स के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा और अच्छे एक बेहतर तरीके से इडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर। साथ ही साथ जो कंट्री से रिलेटेड वीडियो चल रहे हैं उनका, क्योंकि सारा का सारा जो सिलेबस की बात करूँ वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता है कंट्रीज का भी, तो इसीलिए हम जो एक मॉडिफाइड पीडीएफ हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो प्लीज़ रजिस्टर करिए आप अपने आप को, आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके और